हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल, अहम एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, आज हम जामिया के 6th क्लास के 2018 के एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर वन, इन अ लीप ईयर फेबररी हैज़ डैश डेज 28, 29, 30, 31। तो लीप ईयर में फेबररी में कितने दिन होते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं, नॉर्मली वन ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होता है, एक दिन एक्स्ट्रा। और लीप ईयर जो होता है वो हर फोर्थ ईयर, एवरी फोर्थ ईयर जो होगा वो होगा लीप ईयर। जैसे कि 2020 में लीप ईयर था, तो अब जो आएगा 2024 वो होगा लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो फेबररी में दिन होता है वो होता है 29। इन अ लीप ईयर फेबररी हैज़ 29 डेज। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर? तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा? वुड, जैगरी, डस्ट एंड इरेजर। तो इसका आंसर है बी, जैगरी। जैगरी डिजॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्स इन वाटर? अ बोट, अ पीस ऑफ पेपर, अ नेल, अ स्टिक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर से कम है, अगर मान लेते हैं यहाँ सब्सटेंस एक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर से कम है तो वो फ्लोट होगा, और अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, मान लेते हैं वाई ऑब्जेक्ट, अगर उसकी डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, नेल, क्योंकि जो नेल की डेंसिटी होती है, आयरन नेल की, वो वाटर से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर? ऑयल, मिल्क, जूस, नन। तो इनमें से कौन सा लिक्विड है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा? तो वो है ए, ऑयल। ऑयल क्यों डिजॉल्व नहीं होगा? क्योंकि ऑयल जो है वो है नॉन पोलर लिक्विड, वाटर जो है वो है पोलर लिक्विड। तो नॉन पोलर लिक्विड जो होता है वो कभी भी पोलर लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉल्ट इज मेड फ्रॉम? सी वाटर, लेक वाटर, फ्रेश वाटर, रिवर वाटर। तो इसका आंसर है ए, सी वाटर। वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो हम क्या करते हैं, हम सी वाटर को एवापोरेट करते हैं जिससे हमें मिलता है सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द सी ऑन विच एवरी थिंग्स फ्लोट्स। डेड सी, अरेबियन सी, रेड सी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए, डेड सी, क्योंकि डेड सी जो है उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है ऑन अबाउट 31.5%, और इसकी डेंसिटी होती है 1.24 kg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन विच ईयर गांधी जी गो ऑन द डांडी मार्च? 1929, 1930, 1931, 1942। सो गांधी जी गो ऑन द डांडी मार्च इन द ईयर 1930। क्वेश्चन नंबर एट, गांधी जी वेंट ऑन डांडी मार्च यात्रा फ्रॉम? डांडी सीशोर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू डांडी सीशोर, हैदराबाद टू डांडी सीशोर, डांडी सीशोर टू हैदराबाद। तो गांधी जी डांडी यात्रा के लिए साबरमती आश्रम, जो उनका आश्रम है, साबरमती आश्रम से गए थे, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। तो इसका आंसर होगा बी, अहमदाबाद टू डांडी सीशोर। क्वेश्चन नंबर नाइन, महात्मा गांधी अंडर टुक द डांडी मार्च अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, अगेंस्ट द वाटर टैक्स, इन फेवर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वाटर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए, अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी अंडर टुक द डांडी मार्च अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर टेन, हाउ कैन वी सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, एवापोरेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। हम इन तीनों ही प्रोसेस को यूज़ करके वाटर से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व पेट्रोलियम, डिजॉल्व सॉल्ट, फॉर्म मेनी कंपाउंड, डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर है डी, डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, व्हाट इज द सिम्टम दैट शोज दैट अ पर्सन हैज मलेरिया? इनडाइजेशन, शिवरिंग, स्टमक पेन, वोमिटिंग।
इसका आंसर है बी शिवरिंग। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सीजन मलेरिया इज मोर कॉमन? रेनी सीजन, विंटर, समर, स्प्रिंग। इसका आंसर है ए रेनी सीजन। सो मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया इज कॉज्ड बाय? कॉकरोच, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बीज। इसका आंसर है बी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 15, अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कॉपर, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव। तो अमीनिया जो होता है वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो इसका आंसर होगा ए एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 16, हु डिस्कवर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, डॉक्टर बी मॉन्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर साराभाई। तो इसका आंसर है ए डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। द पैरासाइट ऑफ मलेरिया इज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 17, मॉस्किटोज ब्रीड इन डैश रनिंग वाटर, स्टैगनेंट वाटर, डिस्टिल वाटर और रिवर वाटर। तो इसका आंसर होगा बी स्टैगनेंट वाटर। इसका मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर, मतलब रुका हुआ पानी। क्वेश्चन नंबर 18, मॉस्किटोज ले एग्स इन डैश गार्बेज, डस्टबिन, वाटर, एयर। तो इसका आंसर है सी वाटर। मॉस्किटोज ले एग्स इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अनीमिया? आयरन डिफिशियंसी डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज। सो एनीमिया इज अ आयरन डिफिशियंसी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज सजेस्टेड फॉर अ पेशेंट ऑफ एनीमिया? एप्पल, स्पाइनेच, डेट्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एनीमिया को पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मलेरिया? किडनी, हार्ट, ब्रेन, लीवर। तो इसका आंसर है डी लीवर। तो लीवर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 22, बचेंद्री पल इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग, बैडमिंटन, माउंटेनियरिंग, टेबल टेनिस। तो बचेंद्री पल जो है वो है माउंटेनियर। तो इसका आंसर होगा सी बचेंद्री पल इज एसोसिएटेड विद माउंटेनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज रैपलिंग? बोटिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, प्लेइंग विद कंप्यूटर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी माउंटेन क्लाइंबिंग। क्वेश्चन नंबर 24, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ए जम्मू एंड कश्मीर। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग? अगरतला, उत्तरकाशी, देहरादून या गंगटोक। तो इसका आंसर है बी उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट? पहलगाम, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, देहरादून। तो इसका आंसर है सी दार्जिलिंग। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज इन दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग टू मिजोराम? इंग्लिश, मिजो, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो मिजोराम में जो है ये दोनों ही लैंग्वेज यूज होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी इंग्लिश एंड मिजो। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन व्हील इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो 24, 34, 42, 20। तो इसका आंसर है ए 24। सो देयर आर 24 स्पोक्स आर देयर इन व्हील इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कलर ऑफ द चक्रा व्हील ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग? लाइट ब्लू, ब्लू ब्लैक, नेवी ब्लू और डार्क ग्रीन। तो इसका आंसर है नेवी ब्लू। सो नेवी ब्लू इज द कलर ऑफ द चक्रा व्हील ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 30, अवर नेशनल सॉन्ग इज? सारे जहाँ से अच्छा, जन गण मन, वंदे मातरम या ऑल ऑफ द अबव। सो अवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ? 1:2,
1:4, 2:5 और 2:3, तो इसका आंसर है डी 2:3। सो 2:3 इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। क्वेश्चन नंबर 32, अ प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ट, लाइब्रेरी, म्यूजियम, फाउंटेन्स, फैक्ट्रीज, तो इसका आंसर होगा बी म्यूजियम। म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन, केरला, आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, तो इसका आंसर है बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, फतेहपुर सिकरी इज सिचुएटेड इन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, इसका आंसर होगा ए फतेहपुर सिकरी इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूंस टॉम्ब इज मेड बाय, वाइट मार्बल, रेड स्टोन, ग्रेनाइट और लाइम स्टोन, इसका आंसर है बी रेड स्टोन। सो हुमायूंस टॉम्ब इज मेड बाय रेड स्टोन। क्वेश्चन नंबर 36, आगरा फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, हुमायूं, शाहजहां, अकबर और जहांगीर, इसका आंसर है सी अकबर। आगरा फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। क्वेश्चन नंबर 37, स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा बी एस्ट्रोनॉमी। तो स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 38, मीटियोर्स आर कॉमनली नोन एज, कॉमेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स और शूटिंग स्टार, सो मीटियोर्स आर जनरली कॉल्ड शूटिंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द प्लेस वेयर सुनीता विलियम्स इज वर्किंग, नासा, ONGC, DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका आंसर है ए नासा। सुनीता विलियम्स इज करेंटली वर्किंग इन नासा। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन स्पेस एजेंसी इज, नासा, इसरो, CNSA, ISA, इसका आंसर है बी इसरो। इसरो इज इंडियन स्पेस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 41, आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, पेट्रोलियम, हनी, सोलर सेल, उपला, तो इसका आंसर है पेट्रोलियम, जो कि ब्लैक, थिक और फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कुकिंग गैस इज ऑल्सो नोन एज, LPG, CNG, मीथेन गैस, ऑल ऑफ देम, तो इसका आंसर है ए LPG, कुकिंग गैस इज ऑल्सो नोन एज LPG। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स गिव्स लीस्ट स्मोक, पेट्रोल, CNG, डीजल, नन ऑफ दिस, आंसर है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 44, CNG इज अ सुपीरियर फ्यूल टू पेट्रोल ड्यू टू, क्लीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, नो पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 45, विच प्रोडक्ट इज नॉट पेट्रोलियम, LPG, रबर, वैक्स और प्लास्टिक, इसका आंसर है बी रबर। रबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 46, द कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा इज, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पानीपत, नन ऑफ दिस, तो कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 47, द कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, श्रीनगर, जम्मू, कारगिल, बोथ एंड बी, इसका आंसर है बोथ एंड बी। जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल हैं, जिसमें श्रीनगर जो है वो है समर में, जो कि इन द मंथ ऑफ नॉर्मली क्या होता है, मई से अक्टूबर तक होता है, और जम्मू जो है वो है विंटर में, कि नवंबर से लेके अप्रैल तक। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजी, क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी, श्रीनगर, मुंबई, ले, बोथ एंड बी, तो इसका आंसर होगा बी मुंबई। मुंबई इज वेरी बिजी, क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इन रूट बिटवीन मुंबई टू दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तो इसका आंसर है सी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 50, मनाली इज अ प्लेन एरिया, हिली एरिया, डेजर्ट एरिया, प्लेट्यू एरिया, तो मनाली इज अ हिली एरिया।
क्वेश्चन नंबर 51, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ रिवर, शेकिंग ऑफ ट्रीज और नन ऑफ दिस। सो अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय शेकिंग ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 52, द यंग वन ऑफ अ शीप इज नोन एज लैम्ब, किट्टी, फॉन, कब। सो यंग वन ऑफ अ शीप इज कॉल्ड लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 53, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिजिशियन, डॉक्टर, फिलैटलिस्ट, पॉटर। इसका आंसर है सी, फिलैटलिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, अ काउ इज केप्ट इन अ केनल, लेयर, बायर और स्टेबल। तो इसका आंसर होगा सी, बायर। बायर मीन्स होता है बार्न ऑफ काउस या फिर शेड ऑफ अ काउ। क्वेश्चन नंबर 55, एक्वेरियम इज रिलेटेड टू बर्ड्स, ग्रेन्स, फिशेस और मंकीज। आंसर होगा सी, फिशेस। फिशेस आर केप्ट इन एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 56, इग्लू इज अ हाउस ऑफ एस्किमो, किसान, मसाई, गोंड। सो इग्लू इज अ हाउस ऑफ एस्किमोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।